रेजोनेंस ट्यूब, रेजोनेंस ट्यूब एक लैब में वेव्स का किया हुआ एक्सपेरिमेंट है। अगर हम स्कूल रेगुलर जाएं और स्कूल वाले भी रेगुलरली प्रैक्टिकल करवाएं तो उनको ये करवाना बनता है। बेसिकली क्या होता है रेजोनेंस ट्यूब में, रेजोनेंस ट्यूब कुछ नहीं है, एक सिंपल ट्यूब है। रेजोनेंस वर्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके अंदर स्टैंडिंग वेव बनेंगी और स्टैंडिंग वेव्स जो फ्रिक्वेंसीज बनाती हैं न्यू वन न्यू टू न्यू थ्री उनको रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। तो इस ट्यूब में रेजोनेंस होने वाली है। तो एक ट्यूब लें, एक ट्यूब के आप ट्यूनिंग फोक लगाएं, बचता हुआ ट्यूनिंग फोक है जो साउंड जनरेट करेगा। पानी से भरी हुई रेजोनेंस ट्यूब है, ये ट्यूब पानी से भरी हुई थी। ट्यूनिंग फोक को ऊपर रख दें, पानी नीचे से लीक होना स्टार्ट हो गया। कोई बात नहीं, लीक करवाएं, मतलब यहां लगा होगा, यहां नोजल लगा होगा, लीक करवाएं, पानी नीचे गिरेगा। इसमें आवाज आएगी, हमिंग नॉइज आती है ट्यूनिंग फोक की, हल्की सी हमिंग नॉइज चल रही होती है। जब ये पानी नीचे गिर रहा होगा, यहाँ एयर के कॉलम है, एयर कॉलम है, इसे एयर कॉलम बोलते हैं, हवा, यहाँ की साउंड जाएगी, टकराएगी और वापस आएगी और स्टैंडिंग वेव बनाने की कोशिश करेगी, जाएगी रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी। तो ट्यूब क्लोज एट वन एंड ओपन एट अदर एंड हो रहा है और ये स्टैंडिंग वेव बनाएगी। अब हम तो देख नहीं सकते ना ट्यूनिंग फोक, हमें को दिख रही है एयर के मॉलिक्यूल, हमें क्या दिख रहे हैं कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं। पानी का एक ऐसा लेवल आएगा जब ये हमिंग नॉइज ना बहुत जोर की गूंजेगी, बहुत जोर की आवाज आएगी एकदम, अब पानी को भी रोक लेना। तो आपको टीचर कहेगा देख यहां पर ना स्टैंडिंग वेव बन गई, पहली रेजोनेंस हो गई, क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं कि उसका जो ग्राफ है वो ऐसा बन रहा है जैसे हमने लास्ट एनिमेशन में देखा था। अब एयर के मॉलिक्यूल दिख तो रहे नहीं, वो हमिंग नॉइज, आप पूछोगे सर एकदम आवाज कैसे तेज हो गई, अब वो कहेगा पहली रेजोनेंस हो गई। अब ये लेंथ नोट कर लें इसकी, L1 है। तो टीचर कहेगा देख ओपन एट वन एंड है, क्लोज एट अदर एंड है, तो डायग्राम ऐसा बना होगा, ग्राफ ऐसा बना होगा एयर के मॉलिक्यूल्स का। फिर कहेगा पानी को फिर लीक करना शुरू कर दे, पानी नीचे गिरेगा और लेवल नीचे, आवाज बंद हो जाएगी, फिर पानी नीचे 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 आ रहा है, आवाज फिर गूंजेगी एकदम, वो पानी रोक लेगा गिरने से। ये सेकेंड डायग्राम है, वो कहेगा देख सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन हो गया, सेकेंड रेजोनेंस होगी इसलिए आवाज ऊपर हो गई। तो तेरा डायग्राम कैसा बना होगा सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन का, जिसमें ये लूप तो है ही और एक एक्स्ट्रा लूप है। अब चेक कर लो, पाइप क्लोज्ड एट वन एंड ओपन एट अदर एंड में पहला डायग्राम ये और दूसरा डायग्राम ये, चेक कर लो एक लूप का अंतर होता है, लास्ट टाइम किया था हमने। बस ये प्रैक्टिकल में हो रहा है और हमें दिखाई नहीं दे रहा, हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं कि ऐसा होगा। तो आपने L2 नोट कर लेना है वहीं पे, फिर आप डिफरेंस लेंगे L2 का और L1 का। इनका डिफरेंस एक लूप का डिफरेंस होगा, एक लूप का, एक लूप का डिफरेंस पता है क्या होता है, लैम्डा बाई टू। तो L2 माइनस L1 पता है क्या आएगा, लैम्डा बाई टू। L2 L1 आपको पता है, आपको इस साउंड की वेवलेंथ पता लग जाएगी। क्या कमाल का मेथड है, देखो कुछ नहीं, पानी की हाइट से ही आवाज सुन के ही लैम्डा निकाल दिया वेव का, बिना देखे वेवलेंथ आ गई वेव की। और वेवलेंथ आ गई, मान लो आपको क्या निकाल दिया, फ्रीक्वेंसी, साउंड की स्पीड 330 होती है, लैपलेस बताया था वी बाय लैम्डा, लैम्डा पुट कर दो साउंड की फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी। क्या जबरदस्त एक्सपेरिमेंट तरीका है, जिससे आप साउंड की वेवलेंथ और साउंड की फ्रीक्वेंसी भी निकाल गए जस्ट आवाज सुन के। ये रेजोनेंस ट्यूब का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है यहाँ तक? हाँ, वो रेजोनेंस में हो जाती है, सेम, ठीक है यहाँ तक? अब नेक्स्ट है, अगर आप मैथमेटिकली इसे करें, एक्सपेरिमेंट ना करें, तो हमने क्लास में किया था, हमारी जो पहली फ्रीक्वेंसी आएगी वो पता है क्या होगी, V by 4L, where L1 L2 यहाँ पे लेंथ ऑफ एयर कॉलम है, L2 L1 यहाँ पर लेंथ ऑफ एयर कॉलम है, और ये फॉर्मूला तब था जब ट्यूब की लेंथ L गिवन होती है और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V by 4L है। ये अलग टॉपिक है, ये हमने मैथमेटिकली किया था, ये हमने एक्सपेरिमेंटली किया है। तो आपको ना न्यूमेरिकल आ सकता है इन अ गिवन इन अ रेजोनेंस ट्यूब, अगर आपने सुन नहीं रखा L1 L2 कैसे यूज करने, आप कर नहीं पाओगे। अब आपको पता है L1 L2 कैसे यूज करने हैं, तो ये पहला पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें होता क्या है, अब ये ना कंपटीशन का पार्ट है, ये उसमें आता नहीं है एनसीईआरटी में, बाकी फिर भी बताना मेरा बनता है, फॉर्मूला लिख सकते हो फॉर्मूला बुकलेट में। नॉर्मली क्या होता है कि ये ट्यूब ना इतनी कहें, बस इतनी कहें, मान लो पहली साउंड आई और फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में डायग्राम ऐसा बनता है जिसमें ये नोड है और ये एंटी नोड है। अब होता क्या है, जो एंटी नोड है, जैसे ये ट्यूब है, जैसे ये ट्यूब है, ये मान लो लिक्विड है, तो इसमें डायग्राम ऐसा बनता है कुछ, तो ये नोड है और ये एंटी नोड है। जो एंटी नोड है ना, हम जो थ्योरी करते हैं उसमें एंटी नोड बिल्कुल ट्यूब के कॉर्नर पे बनाते हैं जहां ट्यूब खत्म होती है, लेकिन प्रैक्टिकली वो कहता है कि एयर का पार्टिकल बाहर अंदर भी जाता है,
ट्यूब से बाहर भी निकल जाता है। तो एंटी नोड एग्जैक्टली यहां पे बनता नहीं है, थोड़ा सा ऊपर बनता है, ट्यूब के बाहर बनता है, जिसको हम कंसिडर करते नहीं थ्योरी में। हम कहते हैं जी वही बाउंड्री पे बनता है, एल जहां खत्म होता है वही बनता है, लेकिन एक्चुअल में थोड़ा बाहर बनता है, एंटी नोड बाहर बनता है। तो इसका मतलब कि ये एंटी नोड ऐसे बनेगा, बाहर बनेगा डायग्राम। कितना बाहर बनता है उसको बोलते हैं एंड करेक्शन लेना। एंड करेक्शन का मतलब है कि प्रैक्टिकल जब लिया जाता है तो एग्जैक्ट लेना, एंड करेक्शन को भी कंसिडर करना कि एग्जैक्टली कितना बाहर बनता है। तो कितना बाहर बनता है जिसकी वैल्यू 0.3 डी है, टी फॉर डायमीटर ऑफ ए ट्यूब, ये नोट कर लें। एंड करेक्शन रेजोनेंस ट्यूब में क्या होती है, 0.3 डी। जैसे अगर मान लो किसी ऑब्जेक्टिव में आपको एंड करेक्शन गिवन ही नहीं है तो हम लेते नहीं है, हम लेते ही नहीं, हम बात करते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वी बाई एल है, बात 4L है, बात खत्म हो गई। पर अगर वो कहते हैं टेक एंड करेक्शन, तो फिर आपको लेंथ थोड़ी बढ़ा के लेनी होती है 0.3 डी। कभी कभी तो एंड करेक्शन की वैल्यू दे देते हैं 3 mm, तो ये 3 mm पुट कर देना, बात नहीं, लेंथ को बढ़ा देना। नहीं देगा तो डायमीटर दे देगा, तो ये पुट कर देना। तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी में वी बाई 4L नहीं, वी बाई 4L प्लस 0.3 डी यूज कर लेना। और कभी कभी डायमीटर ऑफ ट्यूब नहीं देता और एंड करेक्शन लेने को देता है, तो एक और फॉर्मूला लिखो एंड करेक्शन का। एंड करेक्शन निकालने का नेक्स्ट फॉर्मूला ये है, जो रेजोनेंस ट्यूब में जो आपने दो लेंथ निकाली ना L1 L2, वहां से ये एंड करेक्शन आएगी L2 - 3 L1/2। ये याद करनी है, या तो ये गिवन होगी L1 L2, वहां से एंड करेक्शन आएगी, या ये गिवन होगा, या डायरेक्टली एंड करेक्शन ही गिवन होगी। जो भी गिवन होगी वो L1 में ऐड कर लेना, ठीक। तो ये जस्ट अगर मान लो जिन क्वेश्चन में एंड करेक्शन गिवन है उसकी बात हो रही है, ठीक। जैसे ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, पाइप 30 सेंटीमीटर लॉन्ग ओपन एट बोथ द एंड, देखो बोथ एंड ओपन है इसमें, विच हार्मोनिक मोड ऑफ पाइप, कौन सी हार्मोनिक, कौन सा मोड ऑफ वाइब्रेशन, U1 U2 U3, क्या इज रेजोनेंटली एक्साइटेड बाय 1.1 किलोहर्ट्ज सोर्स। तो मतलब पाइप ओपन एंड बोथ एंड है, जिसमें आपको वो क्या दे रहा है, लेंथ भी दे रहा है, बस लेंथ दे रहा है आपको, इसमें कई रेजोनेंस होंगी, पहली न्यू वन पे, फिर न्यू टू पे, फिर न्यू थ्री पे, फिर न्यू फोर पे, एंड सो ऑन। तो क्या वो कह रहा है कौन सा मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट मोड, सेकेंड मोड, थर्ड मोड, रेजोनेंस में है 1.1 किलोहर्ट्ज के साथ, मतलब कौन से मोड में आपकी फ्रीक्वेंसी 1.1 किलोहर्ट्ज के साथ मैच कर रही है, ये बताना है आपको। चलो करके देखते हैं। पाइप क्लोज्ड एट ओपन एट बोथ एंड है, फंडामेंटल का फॉर्मूला वी बाय 4L है, तो पहली फ्रीक्वेंसी न्यू वन आ गई। दूसरी फ्रीक्वेंसी हमने किया था पाइप ओपन एट बोथ एंड में 2 × ν1 है, तीसरी 3 × ν1 है, 4 × ν1 है, वो कह रहे हैं मैचिंग करवाओ 1.1 किलोहर्ट्ज, 1.1 * 10 की पावर 3 हर्ट्ज, यानी कि 1100 हर्ट्ज। तो 1100 हर्ट्ज मैच हो रही है, हो रही है, ये रही। तो कौन सा मोड ऑफ वाइब्रेशन है, सेकंड, यानी कि सेकंड हार्मोनिक के साथ रेजोनेंस हो रही है, ये आंसर है। वो पूछ रहा है कि किसके साथ मैचिंग हो रही है, सेकंड रेजोनेंस है, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के साथ मैचिंग हो रही है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, सही है। फिर वो अगले पार्ट में ये कह रहा है कि बताओ अगर पाइप का एक एंड क्लोज्ड है एक ओपन है, तो क्या ये फ्रीक्वेंसी मैच करेगा या नहीं करेगा, क्या ये फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस में होगी, अगर होगी तो कौन से मोड में होगी। तो अब आपको फिर से क्वेश्चन करना पड़ेगा, पाइप क्लोज्ड एट वन एंड में फंडामेंटल का फॉर्मूला क्या होता है, 4L वी बाय 4L, तो फंडामेंटल क्या आ गई, 275। तो पहली फ्रीक्वेंसी 275 है, दूसरी फ्रीक्वेंसी 3 × 3 times है, नेक्स्ट 5 times है, क्योंकि पाइप क्लोज्ड एंड वन एंड है, ओपन एंड अदर एंड है, तो ऑड हार्मोनिक्स हैं, तो इसके साथ मैचिंग 1100 की हो नहीं रही। तो एंड में लिख देना रेजोनेंस नहीं हो रही इसके साथ, तो लिख देना 1100 हर्ट्ज डू नॉट मैच विद एनी हार्मोनिक ऑफ रेजोनेंस, ये मैच नहीं होगी। समझ में आ रहा है यहां तक कैसे करना है। ये क्वेश्चन मैं स्पेशल डाल के लाया हूं, SL का सॉल्व क्वेश्चन है, NCERT के अंदर गिवन है, मेंस वालों के प्रीवियस ईयर में आपको दिख जाएगा, ये नीट में भी आ सकता है। अब देखो क्या उसने, देखो टेस्ट क्या किया उसने, ये टेस्ट किया कि क्या आपको नोड्स एंड एंटी नोड्स आप रट्टे तो नहीं मार के आए, आप खुद बना सकते हो नहीं बना सकते, वो टेस्ट कर रहा है। देखो कैसे उसने डायग्राम दे दिया, ये वो कह रहे फाइंड पॉसिबल हार्मोनिक्स इन लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन ऑफ अ रॉड क्लैम्प्ड इन द मिडल। एक रॉड मिडल पे क्लैम्प्ड है, बांध रखी है टाइट, तो इसमें हार्मोनिक्स बताओ कितने जनरेट होंगे। अब जैसे अगर मैं कहूं पाइप क्लोज्ड एट वन एंड ओपन एट अदर एंड,
में कौन कौन से हार्मोनिक्स जनरेट होंगे? आप बोलोगे फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ एंड सो ऑन, ये हार्मोनिक्स होंगे। तो ऐसे इसमें बताना है कि इसमें कौन कौन से हार्मोनिक्स होंगे। तो देखो इसकी थ्योरी हमने नहीं की, हमने स्ट्रिंग टाइड एट बोथ हैंड में की, हमने पाइप क्लोज एट वन एंड में की, हमने पाइप ओपन एट बोथ हैंड में भी की, पर हमने रॉड में तो बिल्कुल नहीं की। तो रॉड में वो अंदाजे से चेक करवाएगा कि जो क्लैंप्ड है, क्लैंप्ड वो पार्टिकल मूव नहीं करेगा तो यहां पर तो नोड जनरेट होगा, ये नोड है और यहां पर क्या जनरेट होगा कॉर्नर पे, एंटी नोड है, ये क्लैंप्ड नहीं है। तो पहला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जब आई होगी तो डायग्राम ऐसा बना होगा, ये अंदाजे से आपको बनाना है, नोड और कॉर्नर पे एंटी नोड, ये फंडामेंटल का केस है। जब दूसरा केस बनेगा नेक्स्ट, आप कोई मर्जी केस देख लें, पहले और दूसरे में एक लूप का अंतर होता है, वन लूप एक्स्ट्रा हो जाती है नेक्स्ट में, तो दूसरे डायग्राम में यहां भी वन लूप है और यहां भी वन लूप हो जाएगी, कॉर्नर पे सेम डायग्राम बनना है। तो आपके पास ये लंबाई एल किसके इक्वल है, ये लैम्डा बाय फोर है, ये लैम्डा बाय फोर है, तो कुल मिला के क्या हो गया लैम्डा बाय टू, यहां से लैम्डा वन आ गया, लैम्डा वन आ गया तो न्यू वन क्या होगा वी बाय लैम्डा वन, फंडामेंटल आ गया। दूसरे केस में यही लंबाई किसके इक्वल है, लैम्डा बाय फोर प्लस लैम्डा बाय टू प्लस लैम्डा बाय टू प्लस लैम्डा बाय फोर, कुल मिला के कितना हो गया थ्री बाय टू लैम्डा टू, यहां से क्या आ गया लैम्डा टू, न्यू टू क्या है वी बाय लैम्डा टू, सेकेंड फ्रीक्वेंसी आ गई, सेकेंड फ्रीक्वेंसी इज थ्री टाइम्स फंडामेंटल। तो अंदाजे से आ गया पहली फ्रीक्वेंसी अगर पहला हार्मोनिक वन है तो दूसरा हार्मोनिक थ्री है, नेक्स्ट क्या होगा फाइव है, ये ऑप्शन ऑब्जेक्टिव मार्क करना है 1357। अब तो आपको याद ही हो गया, अगर क्लैम्प रॉड मिडिल में आएगी तो पता ही आंसर 1357। तो चौथा केस ये भी नोट कर लो अपने उसमें, तो नोड एंटी नोड में चौथा केस ये हो गया, ठीक है यहां तक।